हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस तरह से गियर अप करते हैं, जैसे कि फर्स्ट गियर लगाने के बाद सेकंड गियर लगाते समय किस तरह से दिक्कत आती है और कितने आरपीएम में आपको सेकंड गियर लगाना चाहिए, और जैसे कि सेकंड गियर में अगर कार चल रही है तो आपको कितने आरपीएम में कार को कंट्रोल करना है, उसके बाद थर्ड गियर लगाते समय क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं जैसे कि आपको बताना चाहता हूँ, ये आरपीएम है रेवोल्यूशनरी पर मिनट, जो कि इंजन का आता है। इसको आपने ये जैसे जिस तरह से प्रेस करेंगे, हम मैं एक्सीलरेटर पे प्रेस कर रहा हूँ तो ये 3000 तक चला गया है। इसको हम जितना ज्यादा प्रेस करेंगे उतना ज्यादा इंजन कंज्यूम करेगा पेट्रोल या डीजल आपकी कार का, तो उस हिसाब से वो पावर प्रोड्यूस करता है। अभी मैं वही डिस्कस करने वाला हूँ, वही आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि फर्स्ट गियर या सेकंड गियर में कितने आरपीएम में रखना चाहिए जब आप गियर को शिफ्ट करेंगे, अप शिफ्ट करेंगे, जैसे कि फर्स्ट से सेकंड जाएंगे या सेकंड से थर्ड जाएंगे। तो चलिए इसमें दिखाता हूं मैं आपको। जैसे अभी आप देख सकते हैं आरपीएम जो है 900 के आसपास है, 800 से 900 आरपीएम में कार रहती है आइडियल में। अभी मैं एक्सीलरेटर को बिल्कुल भी प्रेस नहीं करके रखा हूं, ये मैंने फर्स्ट गियर लगाया, अभी आरपीएम एकदम निल है, मैं एक्सीलरेटर बिल्कुल भी प्रेस नहीं कर रहा हूं। जैसे ही मैं क्लच छोड़ूंगा मेरी कार, ये जरा सा एक्सीलरेटर प्रिक किया मैंने और ये मेरी कार मूव होने लगी है। ये फर्स्ट गियर में कार चल रही है मेरी, अब देख सकते हैं ये 800-900 आरपीएम में मेरी कार चल रही है। अब जितना ज्यादा मैं एक्सीलरेटर प्रेस करूंगा, ये देखिए जितना ज्यादा एक्सीलरेटर प्रेस करूंगा उतनी मेरी स्पीड इंक्रीज होगी, साथ ही साथ उतना ही पेट्रोल मेरी कार कंज्यूम करेगी। अभी जैसे ही ये नीचे आया तो मेरी कार अभी कम कंज्यूम कर रही है, आप यहाँ देख सकते हैं ये जो है 5-15 इस तरह से वो माइलेज ही खाता है, रियल टाइम माइलेज है ये। मैं जो एक्सप्लेन करने वाला हूं आपको, इसमें आपको गियर कब शिफ्ट करना चाहिए जिसमें कि आपको माइलेज कार की अच्छी मिले। अभी ऐसे फर्स्ट गियर में चल रही है, माइलेज आपको देखिए 10 से ऊपर मुश्किल से मिलेगी। अगर मैं इसको आरपीएम नीचे कर दूंगा तो थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती है फर्स्ट गियर में, जो कि माइलेज बिल्कुल नहीं मिलती है। तो जैसे ही कार को आप स्टार्ट करें, 10th की पिकअप में आएगी गाड़ी जैसे अभी चल रही है, उसके बाद आपने क्लच प्रेस करके सेकेंड गियर लगा देना है। और ये कितने आरपीएम में लगाना है मैं बता देता हूँ आपको, ये आपको 2000 आरपीएम के नीचे जब है तभी आप लगा सकते हैं। 2000 के ऊपर जाने से पावर कंज्यूम होगा, पेट्रोल कंज्यूम होगा बट पावर उतनी नहीं मिलेगी। अभी मैं जैसे सेकंड गियर में हूं, मैं तब भी 10 की स्पीड में ही चला रहा हूं, आप देख सकते हैं, लेकिन आप देखिए माइलेज इंक्रीज हो रही है, माइलेज जो पहले 10 की थी अभी 20 की हो गई है, जिसमें कि ऑप्टिमम माइलेज है। इसको मैं अभी आराम से 2000 आरपीएम तक सेकंड गियर में पुल कर सकता हूं। तो आपने जो गियर चेंज करना है वो आपने जो गियर चेंज करना है वो 2000 आरपीएम के आसपास चेंज करना है, जिससे कि आपको माइलेज भी अच्छी मिले और आपकी कार को पावर भी प्रॉपर मिले। तो अभी जैसे 1000 आरपीएम में कार चल रही है, जो कि 10 की स्पीड है, सेकंड गियर में है मेरी कार, ये देख सकते हैं आप, ये सेकंड गियर में है मेरी कार। तो मैं जैसे इंक्रीज करूंगा, ये इंक्रीज करता गया या 40 के आसपास जब आएगी तब मैं गियर चेंज करूंगा, जो कि थर्ड गियर में जाऊंगा। अभी यहां से टर्निंग है, आगे टर्निंग से थोड़ा सा सावधानी से टर्न लेना हमें। ये मैं वापस उसी पोजीशन में आ गया हूं, सेकंड गियर में है, ये मैं पुल कर रहा हूं। अब जैसे ही सेकंड गियर 2000 आरपीएम में आया, अब मैंने थर्ड गियर पुल कर दिया है। अभी देखिए माइलेज और इंक्रीज हो जाती है। ये आगे स्पीड ब्रेकर है, मैं स्लो डाउन किया हूं फिर से। तो फ्रेंड्स, जैसा आप देख सकते हैं सेकंड गियर में मैं चला रहा हूं कार को और ये 1000 आरपीएम में 20 की स्पीड में है, और ये मेरे को माइलेज जो लाइव दिखा रहा है ये 20 के अप्रोक्स आ रही है। अब जैसे ही मैं इसको एक्सीलेटर प्रेस करूंगा, अगर आप देखेंगे मैंने एक्सीलेटर थोड़ा प्रेस किया, ये देखिए माइलेज कम हो गई और यहाँ आरपीएम इंक्रीज हो गया। तो
आरपीएम इंक्रीज होते ही माइलेज सॉरी कम हो जाती है। तो आप जितना ज्यादा आरपीएम छोटे गियर में जाएंगे तो माइलेज आपको बहुत कम मिलती जाएगी, इसलिए आप 2000 आरपीएम में ही आप गियर चेंज कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रॉपर पावर भी मिलेगी आपके इंजन को, साथ ही साथ आपका माइलेज भी सही रहेगा। अभी जैसे मैं दिखा रहा हूं कि आपको, मैंने सेकंड गियर लगा हुआ है, सेकंड गियर में मैंने ये पुल किया, 2000 आरपीएम आई, ये 2000 आरपीएम आते ही ये मैंने थर्ड गियर पुल कर दिया। थर्ड गियर मैंने अप्रॉक्स 40 की स्पीड में किया है, तो अभी मेरी कार थर्ड गियर में चल रही है, जो कि टर्न आ गया था मेरा, इसलिए मैंने 20 में ही टर्न ले लिया, लेकिन कार मेरी थर्ड गियर में ही है, तो मैं इसको डाउन शिफ्ट कर लिया। आज की जो वीडियो है वो अप शिफ्ट की है, अब फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड किस तरह से जाते हैं, और ये थर्ड से फोर्थ भी इसी तरह से जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपकी जो होगी डाउन शिफ्ट की करूंगा मैं, तो उसमें आपको किस तरह से स्पीड को कंट्रोल करते हुए और कब आपने डाउन करना है उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें जो कहना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी फ्रेंड्स, सब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।